तो सोचो अगर एक ऐसा इंसान जिसको WWE पिछले काफी ज्यादा सालों से इग्नोर करती हुई नजर आ रही थी, WWE उसका कहीं भी मेंशन नहीं कर रही थी, अगर अचानक से WWE ये ढिंडोरा पीटने लग जाए पूरी दुनिया में कि भाई लोग CM Punk हमारी कंपनी के अंदर काम कर रहा था, हमने CM Punk को बनाया है, ऐसा है वैसा है, क्योंकि WWE ने जब से CM Punk को रिलीज किया था तब से लेके अब तक उन्होंने कभी भी CM Punk को मेंशन नहीं किया, लेकिन भाई अचानक से WWE ने भर भर के मेंशन करना शुरू कर दिया CM Punk को, और एक तरह की ये बात टीज कर दी कि CM Punk की रिटर्न उनकी कंपनी के अंदर होने वाली है। और रिसेंटली CM Punk ने भी इस बात को कंफर्म किया, जो AEW का ऑल आउट वाला शो होगा वहां पर CM Punk वापस नहीं आएंगे इस हफ्ते। क्या ये NXT के एपिसोड की व्यूअरशिप जब एक बार फिर से NXT वापस आ गई USA नेटवर्क के ऊपर, और रिसेंटली अपने ट्राइबल चीफ ने भी इस बात को कहा कि WWE की पूरी हिस्ट्री के अंदर इस जनरेशन के अंदर वो ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलर है, और उन्होंने कहा कि जॉन सीना उनके लेवल के नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने 16-time वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना ने, बल्कि नेचर बॉय रिक फ्लेयर के बारे में। और रिसेंटली हम सभी ने देखा किस तरीके से रिक फ्लेयर अपनी डॉली शॉली दिखा के ये बात साबित करना चाहते हैं कि स्टिल वो रेसल कर सकते हैं, और इस एज के ऊपर रिक फ्लेयर ये चाहते हैं कि एक बार फिर से वो हमें अपनी इन रिंग रिटर्न करते हुए नजर आए। मैंने देखा बहुत से कॉमेंट सेक्शन के अंदर लोग कह रहे थे कि भाई बुढ़ापे में जवानी वाला जोश आ गया रिक फ्लेयर में, लेकिन कर भी कह सकते हैं क्योंकि भाई रिसेंटली रिक फ्लेयर ने इस बात को कन्फर्म कर दिए कि वो प्रो रेसलिंग से बिल्कुल भी रिटायर नहीं हुए। वो करते क्या, वो अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर हमें अपने पुराने प्रोमो वीडियो पोस्ट करते हुए नजर आते हैं, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे हो। अगर यहाँ पर इस प्रोमो वीडियो के अंदर रिक फ्लेयर कहते हैं कि भाई वो प्रो रेसलिंग से कभी भी रिटायर नहीं होने वाले हैं, और उनकी जो रिटायरमेंट है वो तब होगी जब वो इस रिंग के अंदर हमें अपने अंतिम सांस लेते हुए नजर आएंगे। और रिक फ्लेयर यहाँ कैप्शन में भी लिखते हैं कि मैं कभी भी रिटायर नहीं होने वाला हूँ। वो तो लग ऐसा रहा है कि जो हम लोग सोच रहे हैं वैसा होने वाला है, रिक फ्लेयर एक बार फिर से रिंग के अंदर कंपीट करने वाले हैं। उम्मीद यही करूंगा कि भाई सामने वाला जो अपोनेंट है ब्रॉन स्ट्रोमन निकल दे, जो उनकी धज्जियां उड़ा दे। बाकी लेट्स सी क्या होता है आने वाले टाइम में, जब एक बार फिर से रिक फ्लेयर कंफर्म करते हैं इस बात को कि उनकी होने वाली है, सही सुन रहे हो, उनकी होने वाली है 70+ की एज के ऊपर इन रिंग रिटर्न। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है इस बार इस हफ्ते के NXT के एपिसोड की व्यूअरशिप के बारे में। जब एक बार फिर से NXT वापस आ गए USA नेटवर्क के ऊपर, इतने दिनों से जो ओलंपिक्स के कारण जो NXT है वो साइफाई नेटवर्क के ऊपर एयर ऑन हो रहा था, लेकिन जब एक बार फिर से WWE वापस आई NXT के अपने शो को लेकर USA नेटवर्क के ऊपर, तो यहाँ पर व्यूअरशिप के अंदर काफी ज्यादा अच्छा उछाल आया, क्योंकि पिछले हफ्ते रेटिंग आई थी 5,20,000 यानी कि 520 के, लेकिन इस हफ्ते जो NXT के एपिसोड की व्यूअरशिप आई है वो आई है 7,51,000 यानी कि 751 के। तो अभी फिलहाल जो NXT के एपिसोड की व्यूअरशिप एक बार फिर से रोड ऑन ट्रैक आ चुकी है, और आई थिंक धीरे धीरे करके जब हम लोग NXT टेक ओवर 36 की तरफ बढ़ रहे हैं व्यूअरशिप के अंदर, और भी ज्यादा अच्छा उछाल आने वाला। और कुल मिला के एक मैसिव रिलीज के बाद भी NXT एक अच्छी व्यूअरशिप को मेंटेन कर पाया है। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग टाइप अपडेट है, और ये जुड़ी है अपने बेस्ट इन द वर्ल्ड CM Punk के बारे में। अब जो लोग चैनल पर एक्टिव हो ना, ये बात तो पता होगी कि जब बीच में AEW का एक शो हुआ था वहां पर डार्बी एलन ने कॉल आउट किया था एक तरह का CM Punk को। उन्होंने कहा था कि भाई जो बंदा अपने आप को बेस्ट इन द वर्ल्ड कहता है ना, उसे भी ऑल इलीट रेसलिंग में आके अपने आप को प्रूव करना होगा, क्योंकि उसे डार्बी एलन का आमना सामना करना पड़ेगा। और होता क्या, रिसेंटली अपने CM Punk का इंटरव्यू होता है, क्योंकि भाई काफी सारे लोग ये बात स्पेकुलेट करते हैं कि मे बी जो डार्बी एलन है वो हमें CM Punk का फेस करते हुए नजर आएंगे AEW के ऑल आउट वाले शो के अंदर, जो कि एक्चुअल में शिकागो में होने वाला है, और शिकागो CM Punk का होम टाउन है। लेकिन जब यहां पर इंटरव्यू होता है भाई अपने CM Punk का, वहां पर उनसे पूछा जाता है कि आपका जो रेफरेंस हुआ बेस्ट इन द वर्ल्ड क्या है, इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है। CM Punk कहते हैं देखो जैसे मैंने सुना ना इंटरव्यू, वहां पर बेस्ट इन द वर्ल्ड वाली बात आई है, या फिर कभी भी तुम मुझसे कहोगे कि बेस्ट इन द वर्ल्ड कौन है, तो मेरे दिमाग में एक नाम आता है और वो नेम है डैनियल ब्रायन का। एकदम सही कह रहे हो, मेरी अजम्पशन यही है कि वहां पर जो डार्बी एलन है वो मुझे नहीं बल्कि डैनियल ब्रायन को कॉल आउट कर रहा था, और शायद हो सकता है कि डैनियल ब्रायन उस चीज का हमें काफी जल्दी जवाब भी देते हुए नजर आए। तो भाई यहां पर किसी तरीके से बचा के CM Punk ने कहा कि वो बेस्ट इन द वर्ल्ड नहीं है, एक्चुअल में डार्बी एलन कॉल आउट कर रहे हैं डैनियल ब्रायन को। अब चलो ये तो बात रही CM Punk के रिएक्शन के बारे में, लेकिन आज को जो AEW का शो होता है वहां पर भी जैसे ही हमें डॉन कैलिस के सेगमेंट के अंदर AEW ऑल आउट मेंशन होता हुआ नजर आता है, भाई भर भर के यहां पर CM Punk के चैंट्स लगने शुरू हो जाते हैं, और चैंट्स इतने ज्यादा तेज हो जाते हैं कि जो डॉन कैलिस का ये वाला पूरा प्रोमो था भाई वो आपको समझ ही नहीं आएगा। आप लोग खुद जाकर एक बार चेकआउट करना कि आज के AEW शो के अंदर कितने ज्यादा तेज CM Punk के चैंट लगे। आई मीन वो सपोर्ट अनबिलीवेबल है क्राउड की तरफ से,
कि वो सीएम पंक को एक बार फिर से देखना चाहते हैं। ये बात रही AEW के बारे में, जो आज उनका मेंशन हुआ या फिर कह लो जो आज चैंस लगे उनके और उनका रिएक्शन डार्बी एलन के बेस्ट इन द वर्ल्ड को लेकर। लेकिन WWE भाई पीछे नहीं रह रही है इस रेस में, और WWE भी ऐसे कुछ कारनामे ऐसे कुछ कांड कर रही है जिसे देखने के बाद आप ये कह सकते हो क्या सीएम पंक WWE में वापस आएगा। क्योंकि देखो होता क्या, रिसेंटली अपने जो सीएम पंक की वीडियोज हैं जैसे मैंने कहा यूट्यूब के ऊपर या फिर कहीं भी, WWE ने उन्हें मेंशन ही नहीं किया। लेकिन अगर आप लोग सोनी 101 या फिर सोनी 103 देखते हो, वहां पर अचानक से WWE ने एक टॉप 10 मोमेंट्स वाली लिस्ट एयर ऑन की थी समर स्लैम की, और वहां पर सीएम पंक का जो मैच है वो मेंशन था। साथ ही में पिछले 3 से 4 दिन के अंदर WWE ने करीबन 7 से 6 साल बाद अपने चैनल के ऊपर सीएम पंक की 2 वीडियोज भी अपलोड की हैं। अब फैंस कंफ्यूज हैं भाई, इतना लंबा टाइम होने को आया, अगर कहीं प्रोमो में गलती से सीएम पंक मेंशन होते आप उसे ट्रिम करके डालते थे वो वाली वीडियो, और अचानक से आप खुला खजाना सीएम पंक के वीडियोस डाल रहे हो कि भाई ढिंडोरा पीट रहे दुनिया में, सीएम पंक हमारी कंपनी का स्टार है, सीएम पंक हमारी कंपनी में पहले रेसल कर रहा था, स्क्रीनशॉट आप लोग देख ही पा रहे होंगे। तो ये चीज काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है कि अचानक से WWE को अंदर से क्या जोश चढ़ा कि भाई हम लोग सीएम पंक के वीडियोस डालेंगे यूट्यूब के ऊपर। अब ऐसा तो नहीं कि WWE सीएम पंक का जो AEW का डेब्यू है उसे हाइप करने का ट्राई कर रही है। मे बी WWE हम सभी को ये बताना चाहते हैं कि शायद हमारा भी कनेक्शन हो सकता है सीएम पंक के साथ में, शायद ऐसा भी हो सकता है कि सीएम पंक हमारी कंपनी के अंदर वापस आता हुआ नजर आए। अब चीजें सीएम पंक को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। देखो धीरे धीरे करके जो अगस्त का मंथ है वो पास आ रहा है, समर स्लैम 2021 AEW का ऑल आउट वाला शो, काफी सारी बड़ी चीजें होने वाली हैं सीएम पंक को लेकर। और आई थिंक AEW के शो के बाद और समर स्लैम के बाद सीएम पंक का जो स्टेटस है हमें पूरे तरीके से क्लियर होता हुआ नजर आएगा। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है, जब WWE ने लगातार अचानक से सीएम पंक की जो वीडियोज हैं वो अपलोड करना स्टार्ट कर दिए, नीचे अपना ओपिनियन जरूर आप लोग शेयर करना कॉमेंट सेक्शन के अंदर। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ, और ये जुड़ी अपने ट्राइबल चीफ द हेड ऑफ द टेबल द करंट यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के बारे में। और रिसेंटली रोमन रेंस ने भी कहा कि WWE की इस जनरेशन के अंदर वो सबसे ज्यादा बेहतरीन स्टोरी टेलर हैं, और ऊपर से उन्होंने ये बात कही है कि जॉन सिना उनके लेवल से काफी ज्यादा नीचे हैं। होता कि रिसेंटली द पैट मैकाफे शो, जो कि जो पैट मैकाफे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर हमें एयर ऑन करते हुए नजर आते हैं, यहां पर इस बार जो अपने स्पेशल गेस्ट थे वो थे ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस। रोमन रेंस आते हैं, यहां पर उनसे काफी सारी बातचीत होती है, और फिर उनसे पूछा जाता है कि आप पर जॉन सिना को लेकर क्या ओपिनियन है, जो जॉन सिना ने काफी ज्यादा इंप्रेसिव चीजें अचीव की हैं अपने पूरे WWE कैरियर के अंदर। रोमन रेंस कहते हैं हाँ जरूर, जॉन सिना ने काफी सारी बड़ी काफी सारी अच्छी चीजें की हैं अपने पूरे कैरियर के अंदर, और जरूर यहां पर मैं मेक अ विश वाले जो चैरिटेबल चीज है उसे शामिल करना चाहूंगा। उसने लोगों का बहुत ज्यादा हौसला बढ़ाया, उसने काफी ज्यादा अच्छी चीजें की, काफी नेक काम किए उसने पूरी जिंदगी के अंदर। लेकिन देखो अगर बात आती है प्रोफेशनल के बारे में, प्रोफेशन है हमारा स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट, और उस चीज में जॉन सिना मेरे लेवल से काफी ज्यादा नीचे है, वो इस गेम में मेरे बराबरी का नहीं बल्कि मुझसे काफी ज्यादा पीछे रह गया है। एंटरटेनमेंट अगर बात आती है, हम लोग बात करते हैं स्टोरी टेलिंग के बारे में, क्योंकि अगर भैया स्टोरी टेलिंग अच्छी होगी, सामने वाला जो सुपरस्टार है आपको सही से अपनी कहानी समझा पाएगा, तब जाके वो एक अच्छा एंटरटेनर हुआ, और मैं इस जनरेशन का सबसे ज्यादा बेहतरीन स्टोरी टेलर हूं। देखो जॉन सिना जरूर एक बड़ा नाम हो, एक बड़ा मूवी स्टार बन गया, वो WWE के अंदर एक लेजेंडरी सुपरस्टार है, लेकिन सभी चीजों को मिक्स करके ना उसने अपने अंदर का जो करिश्मा वो खत्म सा कर दिए, उसने इन सभी चीजों को मिला ले जिसके कारण उसकी जो ग्रेटनेस है WWE के अंदर अब वो छिप सी गई है। और बाकी आप देख ही सकते हो मुझे हर हफ्ते फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो के अंदर कि मैं किस तरीके से अपने आप को प्रूव करता हूं हर हफ्ते कि मैं जॉन सिना से बहुत ज्यादा ऊपर लेवल का सुपरस्टार हूं। तो ये कुछ बातें कही हैं यहां पर रोमन रेंस ने जॉन सिना के बारे में, और उन्होंने कहा कि भाई जॉन सिना उनके लेवल से काफी ज्यादा नीचे, और ऊपर से वो इस जनरेशन के काफी ज्यादा बेहतरीन स्टोरी टेलर हैं। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है, क्या आपके हिसाब से रोमन रेंस के दावे पूरे तरीके से सही हैं? देखो बात आती है स्टोरी टेलिंग के बारे में, आई थिंक सो कि यस रोमन रेंस इस जनरेशन के एक बहुत ज्यादा बेहतरीन स्टोरी टेलर है। जॉन सिना ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जरूर है, लेकिन एक जनरेशन गैप होता है, और रोमन रेंस इस जनरेशन के मेरे अकॉर्डिंग भी एक काफी ज्यादा बेहतरीन स्टार है। तो भैया आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो को लाइक करने के साथ आप लोग सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना, और सीएम पंक को लेकर क्या ओपिनियन है वो भी जरूर बताना, और ताकि आगे भी आपको चैनल के ऊपर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की नौ भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।